शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद पर स्थानीय लोगों का गुस्सा पूरे हिंदुस्तान ने देखा। फिर मंडी में मस्जिद के अवैध हिस्से पर हंगामे के बाद हथौड़ा चलाना पड़ा। हिमाचल में मामले शांत भी नहीं हुए कि मुस्लिम समुदाय की पहचान को लेकर एक और विवाद खड़ा हुआ। दरअसल वहां घुमा इलाके में मुस्लिम व्यापारियों के पहचान पत्र में घोटाले की बात सामने आ रही है। 100 से ज्यादा ऐसे व्यापारी मिले जो दूसरे राज्यों से आकर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन उनके आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि में तारीख और महीना एक है। सबके आधार पर एक तारीख, 1 जनवरी, जबकि साल अलग अलग। जांच में वहां 35 से ज्यादा ऐसे मुस्लिम कारोबारी जिनके आधार कार्ड में इस तरह की गड़बड़ी पाई गई। इस खुलासे के बाद मामले को लेकर व्यापार मंडल के लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मैं कहा 2001 से लेकर 2009 तक जो ये छोटे बच्चे हैं तो इनका डेट ऑफ बर्थ भी एक है। मैं कहा हमारा इंडिया इतना पिछड़ा तो नहीं हो सकता। इस पर मुझे जब संदेह हुआ, मैं FIR जो मैंने अपनी पहले एक फाइल बनाई 96 के आसपास, जो यहाँ पर समुदाय के जो लोग रह रहे हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि मुस्लिम समुदाय, इसमें हिंदू समुदाय के भी लोग हैं, और मैंने सबकी फाइल एकत्रित करके FIR थाने में करवाई और SDM साहब के पास ही मैंने गुहार लगाई कि 17 दिन का एक अल्टीमेटम मैंने दिया है। कहते हैं कि अगर 17 दिन के अंदर अंदर ये अपने पहले इनका आधार कार्ड प्रॉपर तरीके से चेक किया जाए और उसके उपरांत और जो हिमाचल के अंदर जब यहाँ पर शॉप ओपन करे या इसको सुचारू रूप से चलाए उसके लिए बोनोफाइड सर्टिफिकेट हमने मांगा है। तो वहीं इलाके के लोगों ने इसे गंभीर मसला बताते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। अब हमारे को यही पता नहीं लगता कि कहाँ से आएंगे। हम ये नहीं बोलते कि क्यों आए, हम ये बोलते कि भाई ये आदमी तो हमने अजीब रंग का देखा है कि ये आया कहाँ से। अगर हम पूछने की कोशिश करते हैं तब उतने में निकल जाते, एक मोटरसाइकिल के ऊपर 4-4 आदमी जाते हैं विदाउट हेलमेट। आने वाले समय में कल को कोई घटना घटती है और वो यहाँ से भाग जाता है, ठीक है, तो उसके पीछे कौन जिम्मेवार है? क्या सरकार उसकी जिम्मेवारी लेगी या प्रशासन उसकी जिम्मेवारी लेगा? अगर जैसे बात उठ रही है कि आधार कार्ड है वो उसमें डेट 1-1 तारीख की है, ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे कोई भी प्रशासनिक कार्य करवाना है, कोई भी काम करवाना है, तो अगर मेरा आधार कार्ड अपडेट ही नहीं है तो वहाँ से पहली हिदायत यही दी जाती है कि आधार कार्ड को अपडेट किया जाए। तो क्या वो जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनका कोई बैंक में अकाउंट नहीं है जहाँ से उन्हें ये कहा जाए कि अपना आधार कार्ड अपडेट करवाइए? जो ये विषय है बहुत ही गंभीर विषय है। हैरानी इस बात की कि वहाँ काम पर रखने वाले कारोबारियों ने खुद भी कर्मचारियों के आधार कार्ड चेक नहीं किए थे। एक एक है, एक एक 1995 है, किसी की 1-1 1997 है, ऐसा है जी। ऐसा क्यों है और आपने उनसे बातचीत की? मैंने तो बातचीत की है, उन्होंने बोला कि ये वहाँ पे जब आधार कार्ड बन रहे थे उन्होंने डेट छाप दी है और वो आधार कार्ड उनके चल रहे हैं। आधार कार्ड ये यूपी से ही बन के आए हैं? हाँ, यूपी से ही बने हुए मैम उनके। तो अभी कहाँ है वो सभी जितने भी लेबर आपके पास? कितने लोग थे आपके पास? मेरे पास 6 लोग। 6 लोग अभी कहाँ है? वो साइड पे काम कर रहे हैं। जब भी बाहर रही राज्यों से लोग आते हैं तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिनके पास रह रहे हैं या जहाँ पे काम कर रहे हैं, आधार कार्ड रहते हैं, तो आपने चेक नहीं किया? अब एक एक की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी, एक एक देखना पड़ेगा इसमें। अब वो तो तब पता चल रहा है ना जब आप मैच करा रहे डेट को। जी मीडिया की टीम ने इस दौरान उन लोगों से बात की जिनके आधार कार्ड में इस तरह की गड़बड़ी हुई। इनमें से एक हुसैन मियां ने दावा किया कि वो शिमला में लगभग 1984 से कारोबार कर रहे हैं और आधार कार्ड में जो गड़बड़ी मिली वो प्रशासन की गलती है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी पत्नी धर्मपत्नी और आपकी, जो हम डेट ऑफ बर्थ देख पा रहे हैं वो काफी डिफरेंसेस में लग रहा है। जहाँ आपकी पत्नी का जो एड्रेस है वो यूपी का है और आपका शिमला का है, थोड़ा सा बताएंगे? दरअसल मैं शिमला काम करता था 1984 से, यानी 1984 से, और उस टाइम कोई वो तो होते नहीं थे व्हाट्सएप वगैरह या ये मोबाइल वगैरह, यहाँ उस टाइम यानी के जैसे मेरे पास वोटर आईडी के लिए बाहर बनाने के लिए तो अंदाजा नहीं है, यानी कि 1963 कुछ मैं उनको बताया मगर उन्होंने एक एक करके जो वोटर आईडी बना दी। हुसैन मियां ने इस दौरान अपना आधार कार्ड दिखाया जिसमें जन्म तिथि 1 जनवरी 1964 दिखी। तो वहीं आंध्र प्रदेश रहने वाले शाइक वालिमा ननम के आधार कार्ड में इसी तरह की गड़बड़ी पाई गई जिस पर उन्होंने अपने कम पढ़े लिखे होने की दलील दी। कोई आइडिया नहीं था, ये पहले कैसे बना दिया गया, कहाँ बनाया था? हमारे आंध्र में हमारे गवर्नमेंट भेजी थी, हमारा मुख्यमंत्री हर एक गांव को जाके उनके आधार कार्ड बनाओ रेशन कार्ड बनाओ को भेजा था, तब बनाया था, हम बच्चे थे, यही हुआ। पास सवाल ये उठाए जा रहे थे कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो माहौल खराब कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम ऐसा करने वाले नहीं, हम सिर्फ व्यापार के लिए आए, हम जाने वाले हैं, हम उनके से उनसे लेन देन मतलब कुछ भी नहीं है। हालांकि इलाके के लोगों ने इस मामले में एक और मजहबी साजिश की आशंका जताई। लोगों की मांग है कि घुमा में बाहरी राज्यों से आए कारोबारी व्यापार मंडल और पुलिस थाने में पहचान पत्र दर्ज कराएं।
साथ ही बोनाफाइड सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र और मतदाता पहचान पत्र जमा करवाने को कहा गया। स्थानीय लोगों ने चेतावनी भी दी कि अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता तो वो प्रदर्शन करेंगे। स्थानीय लोगों का पूरा तरह से ये मानना है कि मामला सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार को इस मामले को लेकर गंभीर होना चाहिए। अल्टीमेटम भी यहाँ पर जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं उनकी ओर से प्रशासन को दिया गया है कि 17 दिन के बाद जो है वो 17 दिन के अंदर अंदर अगर यहाँ पर कोई वेरिफिकेशन इन सभी लोगों की नहीं की जाती है तो उसके बाद आगामी रणनीति तैयार करेंगे। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ समीक्षा राणा, जी मीडिया, शिमला, गुमा। जी